दरभंगा नगर निगम चुनाव में पहली बार सीधी जनता द्वारा चुनकर आए नगर निगम की महापौर और उप महापौर सहित सभी 48 वार्ड के शुक्रवार को समरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान उप विकास आयुक्त और नगर निगम के आयुक्त भी मौजूद थे। आपको बता दें कि खिलखिलाती धूप में सुबह करीब 10 बजे से ही पार्षदों का पहुँचना शुरू हो गया था। शपथ लेने वाले पार्षदों में कई नए चेहरे थे तो कई पुराना धुरंधार खिलाड़ी। सभी जनता के भरोसे पर खड़े उतरने की शपथ लेने के बाद जब बाहर निकले तो समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आज जितने भी पार्षद, उप पार्षद और मुख्य पार्षद हैं उनके द्वारा शपथ लिया गया है। इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और वो स्थापित विधि के प्रावधानों के स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे। आज से वो निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम नगर क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। शपथ ग्रहण के लिए प्रपत्र है जो हम लोग अपलोड करते हैं, उसके लिए जो विहित प्रपत्र दिया गया है उसी में वो लोग प्रपत्र लेंगे और इसमें से कुछ लोगों ने प्रेफर किया है शपथ लेने के दौरान मैथिली में और उर्दू में भी शपथ लेना उनके द्वारा। कितने पार्षदों को शपथ दिलाया गया है अभी? एक मुख्य पार्षद, एक उप मुख्य पार्षद और 48 वार्ड पार्षद के द्वारा शपथ लिया। और क्या शपथ ली है आपने? मेरा संदेश बस इतना ही है अपने पूरे आवाम के साथ, खासतौर से अपने मिथिला के पूरे आवाम के साथ, मेरे गार्जियनों के साथ, मेरे युवाओं के साथ, कि जिन्होंने जिस उम्मीद से मुझे इस जगह पर भेजा है, नगर निगम में भेजा है, बस उनका अपने यानी कि मिथिलांचल का पूरा विकास करने का पूरा उद्देश्य यही है कि जो चीज़ हमारी जो कमी बेसी है उस चीज़ को पूरा करना, जो हमारे विकास यानी कि जो उनका अधिकार है, जो हमारे नगर निगम का मेन अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए था, ये मेन उद्देश्य लेकर के मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और संकल्प भी मैंने कसम भी वही चीज़ खाया है कि मैं अल्लाह और खुदा को और अपने ईश्वर को मान करके मैं शपथ लेती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। बस यही आज का मामला ले लीजिएगा तो मेरे वार्ड में मैक्सिमम जगह पे ढक्कन नहीं है सिर्फ नाले पे। और खुशकिस्मत हमारी ये रही कि हमारे वार्ड में 16 प्रांत का जो काम चला है उस पे मंत्री जी आए थे तो काफी सारा काम मेरा हो चुका है। अब जो भी बचा हुआ है उसमें हम प्रयास करेंगे कि उनको जल्द से जल्द हम लोग कम्प्लीट कर लें और शहर से जल जमाव का मुद्दा हटे और शहर जल जमा मुक्त हो, इसके लिए हम नगर निगम में हर संभव प्रयास करते हैं। अपने वार्ड की जनता को क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अपने वार्ड की जनता को हम अभी क्या हमेशा धन्यवाद देते आते हैं कि जिस तरह से उन लोगों का सहयोग, उन लोगों का प्यार हमको मिलता है और काम उनके द्वारा आता है और विश्वास रखते हैं कि हाँ पूजा मंडल देख लेंगी, तो बस उसी तरीके से अपना काम रखे और विश्वास बना करके रखे तो उनका उनके काम को हम बखूबी पूरा करेंगे, ये मेरा प्रयास। कौन सा वार्ड से है? वार्ड नंबर 5। 22 की जनता के लिए आज आपने 22 की जनता के लिए शपथ लिए हैं कि श्रद्धा पूर्वक से अपने निष्ठा से काम करूंगी। क्या समस्या है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में जो नाली की समस्या है, सड़कें की है, बिजली की है। सबसे पहले कौन समस्या का निदान करेंगे आप? नाले की समस्या को और सड़क को बिजली भी किए हैं, जब से जीत के गए हैं तब से अभी समस्या जितना भी बिजली की है सारी दूर की है। अपना परिचय? रिंकू कुमारी। कितने नंबर वार्ड ने भरोसा किया आपको, क्या कहेंगे उस? देखिए पहले तो मैं वार्ड नंबर 30 और 31 की जनता का तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद जिन्होंने हमको इतने मजबूती के साथ अपना वोट दिया और हमको आज नगर निगम भेजने का काम किया, हमें और हमारी पत्नी वार्ड नंबर 30 जीनत परवीन। मैं उन सभी वार्ड नंबर 30 और 31 के सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिस भरोसे के साथ मुझे वोट दिया है आपके उस भरोसे को मैं तोड़ूंगा नहीं। जो भी वार्ड नंबर 30 और 31 में जो भी विकास का काम रुका हुआ, चाहे वो सड़क हो, नाला हो या जो भी, उन सब चीज़ों को, वृद्धा पेंशन, विधवा, जो भी काम हम लोगों के अंदर होगा उसको बढ़ चढ़ कर उन लोगों के साथ हम लोग मिलकर उसको काम करने का काम, हम लोग उसको उसके रास्ता को विकास के रास्ते पर लाने का वार्ड नंबर 30 और 31 को हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। समझ में जाइए ना, ये हम तो कह नहीं सकते हैं। कब तक गठन होगा?
ये गठन तो हमारे महापौर माननीय श्री अंजू महाराज, श्रीमती अंजू महाराज जी बताएंगी। क्या उम्मीद है कब तक पहली बैठक होगी? अब तो पहले सदस्य स्थायी समिति का गठन हो जाए, कैबिनेट बन जाए निगम का, उसके बाद पहली बैठक होगी। और मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों का भी इस शहर को विकास के दौर, विकास के पटरी पर दौड़ाने के लिए आप लोगों का भी सहयोग की जरूरत है। अंजू महाराज जी के नेतृत्व में और सब छोटे बड़े जितने भी प्रतिनिधि हैं सब लोगों के साथ मिलकर शहर की विभिन्न समस्याओं का हम लोग निवारण करने की पूरी प्रयास करूंगा। ये वार्ड नंबर एक। क्या नाम हुआ? तवसुम खातून। पहली बार आप पार्षद बनी है, कैसा अनुभव रहा शपथ ग्रहण का? जी बहुत ही अच्छा रहा। क्या कहेंगी वार्ड की जनता को? वार्ड नंबर एक की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने हमें जिता करके यहाँ भेजे और इस काबिल समझा हमें। सभी का की किसी विशेष का? जी नहीं, सभी वार्ड नंबर एक की सभी का। जो वादे चुनाव में किए हैं, जो काम को लेकर के क्या कहेंगे उस पर? जी मैंने जो वादे किए थे रोड और नाला की समस्या, उनको हम पास जो भी थोड़ा बहुत है पास करा चुके हैं और इंशाल्लाह लगातार मेहनत करके हम काम करेंगे और शिकायत का मौका किसी को भी नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। क्या नाम हुआ आपका? जी तवसुम खातून।